अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज की महफिल में हम आपके लिए उर्दू के कुछ ऐसे अल्फाज लेकर आए हैं कि जिनके साथ ज़ेर, ज़बर और पेश लगा दें तो उनके माने कुछ और हो जाते हैं, और अगर उनको हटा दें तो उनके माने कुछ और हो जाते हैं, और उनकी जगह तब्दील कर दें तो उनके माने कुछ और हो जाते हैं। तो चलिए चंद अल्फाज देखते हैं। एक लफ्ज़ है परेत, ये जिन भूत वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। भूत परेत आपने सुना होगा, जिसको बहुत सारे लोग भूत परीत कहते हैं, वो गलत है। परेत है, इसमें ये है जबर के साथ, यानी रे के ऊपर जबर है। अब इस रे के ऊपर जबर को हम तब्दील करके इसको रे के नीचे जेर कर दें तो ये हो जाता है प्रीत, और ये प्रीत जो है ये मोहब्बत प्यार वगैरह को कहते हैं। तो आपने देखा कि एक मरतबा इस्तेमाल में हमने रे के ऊपर जबर लगाया तो उसके माने जिन भूत हो गए, और वही जबर उठा के हमने जेर कर दिया और उसे प्रीत कर दिया तो ये मोहब्बत और प्यार के मानों में पढ़ा जाने लगा। इसी तरह एक लफ्ज है पढ़िया, अब बहुत कम इस्तेमाल होता है, हम लोगों ने दरअसल उर्दू के बहुत ही अच्छे किस्म के जो अल्फाज थे वो इस्तेमाल करना छोड़ दिए। बहरहाल पढ़िया कहते हैं भैंस के बच्चे को, और ये जबर से लिखा जाता है, यानी पे के ऊपर जबर होता है। और अब जो दूसरा अर्थ हम आपको बता रहे हैं वो है पुड़िया। पुड़िया आप सब जानते हैं, वो कागज़ जिसमें दुकानदार कोई चीज़ बांध कर देते हैं उसको पुड़िया कहते हैं। तो जबर ऊपर लग गया तो पढ़िया यानी भैंस का बच्चा, और जेर नीचे लग गया इन्हीं तीन अल्फाज यानी पेड़े ये और अलिफ में पुड़िया हो गया, तो वो कागज़ हो गया कि जिसमें कोई चीज़ बांधी जाती। अब एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, वो लफ्ज़ है फली। फली हम सब जानते हैं, ये ज़बर के साथ है, यानी जो फे के ऊपर ज़बर है, ये वो गिलाफ सा होता है जिसमें अनाज होता है। आप जानते होंगे जैसे मूंगफली है, या वो जो कौन सी वो जो सब्जियां पकाते हैं फलियों की सूरत में, ख़वातीन पकाती हैं उसमें, तो फली कहते हैं उसको। फली यानी वो गिलाफ जिसके अंदर अनाज होता है, और इस फली के ऊपर यानी अगर हम ये ज़बर हटा के पेश लगा दें तो वो हो जाता है फुली। फुली असल में आँख की एक बीमारी होती है, एक सफ़ेद सा नुक्ता आँख में पड़ जाता है, और इसे हम पेश के साथ लिखते। इसी तरह इल्म आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इल्म इल्म जब लिखते हैं हम तो इसके नीचे जेर होता है, और इसी जेर को हटा के अगर हम ऊपर लगा दें और लाम के ऊपर भी ज़रब लगा दें, लिखे दोनों एक ही तरह से जाते हैं, तो वो अलम हो जाता है यानी झंडा। अब एक लफ्ज़ और है, वो है तली। तली हम सब जानते हैं, तली किसे कहते हैं, तला या तली, तो हम बहरहाल यहाँ इस वक्त तली पर बात कर रहे हैं। तो तली कहते हैं पेंदे को, यानी बाल्टी की तली या हांडी की तली या किसी और बर्तन की, और इसके नीचे हम अगर जेर लगा दें तो ये हो जाता है तिली। तिली पेट के अंदर का एक उज्व होता है, अब वो क्या होता है कैसा होता है हमें ज़्यादा इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन होता है पेट के अंदर। तो तली आपने जब लिखा ज़बर के साथ तो उसके माने हुए पेंदा, और इसके नीचे आपने जेर लगा दिया तो ये पेट के अंदर का एक उज्व बन गया। अब एक लफ्ज़ है तीरा। तीरा का मतलब होता है, जेर के साथ लिखें, अंधेरा या अंधेर, और इसी तीरा के नीचे से आप जेर हटा के उसके ऊपर जबर लगा दें तो वो हो जाता है तेरा। तेरा गिनती की मकदार है आप सब जानते हैं, तो आप ते ये रे हे लिखकर अगर इसके ऊपर जबर लगा देंगे तो तेरा हो जाएगा यानी गिनती, और अगर इसके नीचे आप जेर लगा देंगे तो वो तीरा हो जाएगा यानी अंधेरा। अब एक लफ्ज़ है टंटा, ये आपने अक्सर सुना होगा, ये अगर जबर के साथ लिखें टंटा, इसका मतलब होता है झगड़ा या कोई कजिया, तो इसका मतलब झगड़ा और कजिया हो गया। लेकिन यही टंटा जो है इस पे फिर आप जबर हटा के इसके टे के ऊपर पेश डाल दें तो ये हो जाता है टुंटा। टुंटा का मतलब होता है जिसका एक हाथ ना हो, टुंडा भी कहते हैं लेकिन टुंटा हो जाता है जिसका एक हाथ ना हो। तो टंटा आपने लिखा जबर के साथ तो झगड़ा और कजिया हो गया, और यही आपने टंटा जो था इसके ऊपर पेश डाल दिया तो ये टुंटा बन के उस आदमी को या उस औरत को बताएगा जिसका एक हाथ ना हो। अब एक लफ्ज है जताना, ये जबर के साथ लिखते हैं, याद दिलाना, मतलब ये एक तरह से मनफी मानों में याद दिलाना होता है कि भाई मैंने तुम्हारे बेटे को नौकरी दिलाई थी, या मैंने फला मौके पर तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे, तो ये जताना कहते हैं इसको, याद दहानी एक तंजिया अंदाज में, कमीनगी समझ लीजिए एक तरह की। और इसी जताना के जबर को हटा के अगर हम इसके नीचे जीम के नीचे जेर डाल दें
तो वो हो जाता है जिताना। जिताना का मतलब यानी हराना की जिद, कोई जीत गया कोई हार गया आपने सुना होगा, तो जताना जो है वो तो हो गया किसी को याद दहानी करानी मनफी मानों में, और जिताना हो गया हराने की जिद। अब एक लफ्ज और है जो बहुत दिलचस्प है, वो है जद, जीम दाल। जबर के साथ इसको लिखेंगे तो ये बाप दादा वगैरह होगा, यानी फना के जद आला हम कहते हैं ना, तो यानी ये बुजुर्गों में शामिल, इसका मतलब होगा बुजुर्ग, बाप दादा परदादा वगैरह। और इसी जद को जब हम लिखेंगे जेर के साथ तो ये हो जाएगा जिद, और जिद का मतलब होता है मेहनत करना, कोशिश करना, दौड़ धूप करना। अब एक और लफ्ज देखते हैं, लफ्ज है जड़ना, आपने भी सुना है हमने भी सुना होगा। जबर के साथ इसको लिखेंगे तो इसके माने होंगे कोई चीज किसी चीज में बिठाना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फिट करना, जैसे जेवर वगैरह में कोई मोती लगा दिया कोई और चीज लगा दी, वो होता है जड़ना। और इसी हिज्जा के साथ जब हम इसको लिखेंगे लेकिन जीम के ऊपर पेश डाल देंगे तो ये हो जाएगा जुड़ना, यानी मिलना, चिपकना, साथ हो जाना, पेश के साथ लिखने में इसके माने और हो जाते हैं। अब जल अगर हम लिखेंगे, ये लफ्ज मैं आपको एक और बता रहा हूँ, जल और जबर के साथ लिखेंगे तो इसका मतलब होता है पानी, और अगर इसी जल के ऊपर हम डाल देंगे पेश तो ये हो जाएगा जुल, और जुल का मतलब होता है धोखा देना। अब लफ्ज है जमल, जमल आप जो अच्छी उर्दू लोग लिखते पढ़ते हैं वो जानते हैं कि जमल कहते हैं ऊंट को, आपने सुना होगा जंगे जमल वगैरह तारीखी वाकयात हैं, तो इसको जबर के साथ लिखेंगे तो ये है, इसके माने हो जाएंगे ऊंट। लेकिन इसी जमल के ऊपर जब आप पेश लगा देंगे तो ये हो जाएगा जुमल। ये जुमल जो है असल में ये जो हिसाब किताब करते हैं हरूफ अबजद के साथ, आदात का हिसाब जो लोग करते हैं वो जो इस्तेमाल करते हैं इल्म, उसको जुमल कहते हैं। तो जबर के साथ जमल हो गया यानी ऊंट, और पेश के साथ जुमल हो गया यानी हिसाब किताब। इसी तरह झरना, आप सब ने सुना होगा, आम लफ्ज है, जबर के साथ आप इसको लिखेंगे झरना तो ये पानी की एक चादर समझ लीजिए, या टपकते हुए पानी का चश्मा। लेकिन इसी झरना के नीचे जब आप जेर लगा देते हैं तो ये हो जाता है झिरना, और इसका मतलब होता है टपकना, रिसना, बहना, जारी होना। अच्छा, अब एक लफ्ज हम आपको आखिरी लफ्ज बता रहे हैं, ये लफ्ज है झिरी, यानी इसमें जेर के जेर डालते हैं हम इसके नीचे, और इसका मतलब होता है शिगाफ, आपने सुना होगा ना, दीवार में छोटी सी झिरी थी जिससे फना अंदर देख रहा था, तो इसको अगर जेर के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा झिरी, और इसका मतलब होता है शिगाफ, एक लंबा सुराख समझ लीजिए। और इसी तरह हम अगर आप इसको लिखेंगे तो इसमें अगर आप पेश डाल देंगे तो पेश के साथ ये हो जाएगा झुर्री, और झुर्री का मतलब होता है वो शिकने जो बुढ़ापे में चेहरे पर या हाथों पर पड़ जाएं, उन्हें झुर्री कहते हैं। तो खातिन हजरात, ये चंद ऐसे अल्फाज थे कि जिनमें जेर, जबर, पेश की जगह तब्दील कर देने से इनके माने भी तब्दील हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे अगली वीडियो में फिर कुछ और अल्फाज के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।